नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको चीन की विदेश नीति के संबंध में बताया था। अपने इस व्याख्यान में मैं आपको रूस की विदेश नीति के संबंध में बताऊंगी और इसके अंतर्गत हम रूस की विदेश नीति की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका सबसे बड़ा गणराज्य रूस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण इकाई के रूप में उदित हुआ। सोवियत संघ की 52% जनसंख्या रूसी गणराज्य में निवास करती है। सोवियत संघ का 90% तेल, 50% गेहूँ, 50% कपड़ा, 50% खनिज रूसी गणराज्य में ही उत्पन्न होता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी रूस सोवियत संघ का विशालतम गणराज्य था। यह गणराज्य सर्वाधिक संसाधन संपन्न है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में पुराने सोवियत संघ का स्थान प्रदान कर दिया गया तथा उसने यह वचन दिया कि सोवियत संघ के विघटन के बाद बना रूस पुराने सोवियत संघ के समस्त दायित्वों को निभाएगा। अभी भी रूस एक महाशक्ति है क्योंकि हजारों मिसाइल रूस में दूर दूर तक लगे हुए हैं। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस को समाजवादी अर्थव्यवस्था से निकलकर बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था में ले जाने वाले रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने 31 दिसंबर 1999 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने अपना कार्यभार प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन को सौंपा। उन्होंने रूस का नाभिकीय ब्रीफकेस, जिसमें रूसी नाभिकीय शस्त्रों को संचालित करने का गुप्त कोड भी है, वो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति को सौंप दिया। अब बच्चों, मैं बताती हूँ आपको कि रूस की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली विशेषता है विश्व की राजनीति में गौण भूमिका। साम्यवादी खेमे के विघटन तथा स्वयं सोवियत संघ के बिखर जाने के बाद रूस का विश्व राजनीति में प्रभाव बहुत कम हो गया है। वर्तमान समय में वह रूस एक महाशक्ति नहीं रहा है। यद्यपि उसके पास अणु परमाणु शस्त्रों प्रक्षेपास्त्रों का भंडार है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से उसकी अर्थव्यवस्था इतनी जर्जर है कि वह उन अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकता। इसी प्रकार यद्यपि उसकी सशस्त्र सेनाएं आज भी शक्तिशाली तथा आधुनिक अस्त्रों से युक्त हैं, लेकिन वर्तमान में दूसरे देशों की भूमि पर उनकी उपस्थिति घट गई है। अब वह घटनाओं को अपने इच्छानुसार मोड़ नहीं दे सकता। वह अपने पुराने मित्रों की सहायता करने में भी सक्षम नहीं रहा है। सुरक्षा परिषद में अब वह वीटो का प्रयोग करने की स्थिति में भी नहीं है। यही कारण है कि 1991 के खाड़ी युद्ध के समय रूस मूक दर्शक बना बैठा रहा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेनाएं जहां कहीं भी तैनात की गई हैं, उनमें रूसी सेनाओं की कोई भूमिका नहीं है। रूस की विदेश नीति की दूसरी विशेषता के रूप में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ उसके सहयोग को ले सकते हैं। रूस की विदेश नीति की एक दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि वह संयुक्त राष्ट्र के साथ पूर्ण सहयोग की नीति पर चल रहा है। उसने अपने स्वतंत्र अस्तित्व के बाद कहीं भी संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में बाधा नहीं डाली है। उसने पूर्व सोवियत संघ के सभी दायित्वों को निभाने का वचन दिया है। 31 जनवरी 1992 को आयोजित न्यूयॉर्क में सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक में रूसी गणराज्य के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने घोषणा की थी कि शीत युद्ध काल में का काल अब पूरी तरह समाप्त हो गया है। रूस पश्चिमी जगत का एक हिस्सा है। अब रूस वीटो द्वारा सुरक्षा परिषद के मार्ग में अड़ंगे नहीं लगाएगा। इसलिए 31 मार्च 1992 को सुरक्षा परिषद ने लीबिया के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रस्ताव पारित कर दिया। रूस की विदेश नीति की अन्य विशेषता अमेरिका के साथ सामान्य सहयोग के संबंध भी हैं। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध सोवियत संघ और अमेरिका वाले संबंधों से बिल्कुल विपरीत हैं। यह बात कुछ तथ्यों से प्रमाणित होती है। पहली चीज़, येल्सिन द्वारा अमेरिका के साथ घनिष्ठ राजनीतिक संबंधों की स्थापना करना। दूसरा, रूस द्वारा लोकतंत्र, मुक्त व्यापार तथा स्वतंत्रता का पक्ष लेना। तीसरा, वॉशिंगटन चार्टर जो जून 1992 में पारित हुआ था, उसका समर्थन करना। इसके अतिरिक्त विचारधारा के प्रति अनुराग का अभाव कम होना। ये सभी बातें ये स्पष्ट करती हैं
कि रूस अब अमेरिका के साथ सामान्य सहयोग के संबंध बनाना चाहता है। इसके अतिरिक्त रूस की विदेश नीति की एक अन्य विशेषता चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों की नीति भी रही है। रूस के राष्ट्रपति येल्सिन ने चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने की विदेश नीति को अपनाया। 19 दिसंबर 1992 को रूस के राष्ट्रपति येल्सिन चीन की यात्रा पर गए। दोनों देशों के शिखर सम्मेलन में सहमति हुई कि दोनों देश सीमा क्षेत्र में तैनात सैनिकों की संख्या में कमी करेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे। इसके बाद समय समय पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे के देश की यात्रा की। शंघाई 5 जुलाई 2000 में दुशांबे में संपन्न शिखर सम्मेलन के अवसर पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन व चीनी राष्ट्रपति झेमिन ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रक्षेपास्त्र सुरक्षा प्रणाली को विश्व शांति के लिए खतरा बताते हुए इसे 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि के विपरीत बताया तथा सम्मेलन में जारी घोषणा पत्र में परमाणु परीक्षणों पर कड़े प्रतिबंध लगाने तथा विश्व में बहुध्रुवीय व्यवस्था को स्थापित करने का आह्वान किया। इसके अतिरिक्त रूस की विदेश नीति की एक अन्य विशेषता जापान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की भी रही है। जापान की उत्तरी सीमा के 4 टापुओं पर, जो रूस में कुरील टापुओं के नाम से जाने जाते हैं, द्वितीय महायुद्ध के बाद सोवियत संघ ने अमेरिका की सहमति से उन पर कब्जा कर लिया था। जापान इन टापुओं के मुद्दे पर समय समय पर प्रश्न उठाता रहा है। 13 से 18 सितंबर 1992 तक रूस के राष्ट्रपति येल्सिन जापान की यात्रा करने वाले थे, लेकिन 9 सितंबर को अचानक इस यात्रा के स्थगन की घोषणा कर दी गई, क्योंकि जैसे ही येल्सिन की यात्रा तय हुई, जापानी अधिकारियों, नेताओं और अखबारों ने राष्ट्रवादी भावना का ज्वार उभारते हुए कहा कि यदि रूस कुरील टापुओं को वापस जापान को नहीं लौटाता है तो जापानी जनता रूस को आर्थिक सहायता देने की अनुमति नहीं देगी। रूसी राष्ट्रवादियों व साम्यवादियों ने भी इस पर गहरी प्रतिक्रिया व्यक्त की और रूस में भी वैसा ही राष्ट्रवादी भावना का ज्वार उमर पड़ा। इसके अतिरिक्त रूस की विदेश नीति की विशेषता रूस और राष्ट्रकुल के संबंध भी हैं। सोवियत संघ के गणराज्य कजाकिस्तान की राजधानी अल्माता में सोवियत संघ से अलग हुए 12 में से 11 गणराज्यों के राष्ट्रपतियों ने 12 दिसंबर 1991 को एक समझौते पर हस्ताक्षर करके एक स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना की। जॉर्जिया को छोड़कर सभी 11 गणराज्यों ने 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए। गणराज्यों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ का स्थान रूसी गणराज्य को दिए जाने की सिफारिश की। सभी 11 गणराज्य राष्ट्रकुल के सह संस्थापक सदस्य माने गए और उन्हें समान अधिकार दिए गए। सभी स्वतंत्र सार्वभौमिक गणराज्य माने गए तथा उनकी वर्तमान सीमाओं को भी मान्यता प्रदान की गई। 31 दिसंबर तक के लिए एक संयुक्त सैनिक कमान की स्थापना की गई, जिसके बाद एक स्थाई कमान के गठन का आह्वान किया गया। परमाणु अस्त्रों पर सदस्य देशों में राष्ट्राध्यक्षों का नियंत्रण होगा। फरवरी 1992 में इन देशों के नेताओं ने की मिंसक में शिखर बैठक हुई, जिसमें परमाणु हथियारों के नियंत्रण और प्रबंधन के संबंध में मतभेद उभर कर सामने आए। यूक्रेन और रूस के बीच इस संबंध में गंभीर मतभेद हैं। दोनों के मध्य काला सागर स्थित बेड़े और पूर्वी सोवियत संघ की परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर भी मतभेद उभरे हैं। यूक्रेन का मत है कि जब तक रूस आम सहमति के बारे में ध्यान नहीं देगा, राष्ट्रकुल का भविष्य अंधकार में रहेगा। इसके अतिरिक्त रूस की विदेश नीति की एक अन्य विशेषता यह है कि रूस व अमेरिका परमाणु हथियारों की कटौती पर सहमत हुए हैं। 6 जुलाई 2009 को रूस की यात्रा के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के साथ संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके परमाणु हथियारों की जखीरों में कटौती करने पर सहमति प्रकट की। इसके अतिरिक्त यूक्रेन से अलग होकर क्रीमिया रूस का क्षेत्र बना 2014 मार्च में। यूक्रेन के एक स्वायत्त प्रायद्वीप क्रीमिया ने यूक्रेन से अलग होकर रूस का अंग बनने की घोषणा की।
इससे रूस के साथ पश्चिमी देशों के पारस्परिक संबंधों में खटास आ गई तथा रूस को पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले समूह G8 से निलंबित कर दिया गया। पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद 16 मार्च 1914 को क्रीमिया में जनमत संग्रह कराया गया तथा जनमत संग्रह के परिणाम के आधार पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने क्रीमिया को रूस के साथ जोड़ने वाली संधि पर 18 मार्च 2014 को हस्ताक्षर कर दिए। तो बच्चों, ये थी वर्तमान रूस की विदेश नीति की विशेषताएं। इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में हम आपके पाठ्यक्रम से संबंधित किसी अन्य पक्ष की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LPS कॉलेज कोटपुतली से। पिछले व्याख्यान में मैं आपके साथ चीन की विदेश नीति पर चर्चा कर रही थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको चीन की विदेश नीति की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी।